क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? इसको एक प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ कार्ट, ये कोई कार्ट है जो इस रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज अ कार्ट विच इज मूविंग ऑन द रोड। देयर आर द टू पर्सन, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। वन इज ऑन द ग्राउंड एंड अनदर इज ऑन द कार्ट। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक बॉक्स ले लिया। दिस इज अ बॉक्स, ठीक है? ये हमने एक बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स का जो वेट होगा वो 20 kg होगा, ठीक है? मास जो होगा वो 20 kg होगा। नाउ व्हाट हैपेंस क्लास, हमने क्या किया, इस कार्ट को एक फोर्स दिया एफ, एक फोर्स मैंने इस कार्ट के ऊपर अप्लाई किया। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 10 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए। इस फोर्स की वजह से ये पूरा कार्ट मूव करने लगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक भी मूव करने लगा, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर आ चुका होगा, लाइक दिस, यहाँ पर कहीं पे आ चुका होगा। एंड दिस इज द पर्सन बी। तो ए के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट्स से इस ब्लॉक ने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। कॉस, एज वी नो दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा का वैल्यू हो गया 0, कॉस 0 वैल्यू इज 1, 10 × 2 कम्स आउट टू बी 20 जूल्स। तो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सन ए, वर्क डन बाय ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सन ए कितना है, 20 जूल्स का वर्क डन है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट। अब बात करेंगे बी के रिस्पेक्ट में। जब हम बी को देखेंगे, व्हेन दिस पर्सन बी सीज द ब्लॉक, अब क्योंकि पर्सन और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहा है ना, तो बी के लिए, सी बी का जो भी स्पीड होगा उतना ही स्पीड ब्लॉक का होगा, क्योंकि दोनों कार्ट पे लाई कर रहा है। मतलब मान लेते हैं, चलो बी का स्पीड है वी बी और ब्लॉक का स्पीड है वी ब्लॉक, ये दोनों स्पीड सेम होगा। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जिसकी वजह से इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 0 होगा। एज वी नो दैट इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 देन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 0। तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं है ना, बी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं। ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पेन, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ओके, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ पेन भी मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने ग्राउंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया तो पेन ने भी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये पेन मूव नहीं कर रहा, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे और पेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? तो इसके इससे क्या समझ में आता है कि बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कभी मूव किया ही नहीं। अगर ब्लॉक कभी मूव किया ही नहीं बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्क डन बाय द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी इज नथिंग बट 0, है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 0 है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 0 है, क्लियर? क्योंकि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं, मतलब बी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज 0, जिसकी वजह से वर्क डन बाय द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी इज ऑल्सो 0, ठीक है? तो इसे समझ में आता है कि वर्क जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो सो वी विल राइट डाउन वन कंक्लूजन स्टेटमेंट। क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देंगे, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है? वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर? सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट टॉपिक।